नमस्कार और आपका स्वागत है पीएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ टुडे। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को ठहराया वैध। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST संशोधन कानून 2018 को वैध करार दिया है। इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। दरअसल 20 मार्च 2018 को SC ST अधिनियम 1989 के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर तुरंत FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी। ऑस्कर अवार्ड में साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने मचाया धूम। ऑस्कर में इस बार साउथ कोरिया ने बिखेरा जलवा। पहली बार किसी साउथ कोरिया की फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया है। दरअसल साउथ कोरिया की फिल्म पैरासाइट ने इस बार सुर्खियां बटोरी है। पैरासाइट को कांटे की टक्कर फिल्म 1917 दे रही थी। शुरुआत में पैरासाइट पिछड़ती दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे यह ऑस्कर करीब आया, यह तो साफ हो गया था कि साउथ कोरिया की फिल्म इस बार इतिहास रचने वाली है। पैरासाइट ने 4 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में ऑस्कर मिल गया है। असम में 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 3 लाख से ज्यादा बच्चे होंगे शामिल। असम में 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। गौरतलब है कि 3,58,000 छात्र शामिल हुए हैं। असम बोर्ड ने राज्य के 850 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया है, तो वहीं CCTV की भी सुविधाएं मौजूद हैं। असम बोर्ड ने राज्य के 850 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया है, तो वहीं CCTV की सुविधा के साथ साथ फ्लाइंग स्क्वाड व पुलिस बल व अन्य अधिकारियों को तैनात किया गया है। हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए 3,48,000 छात्रों ने रजिस्टर किया, जबकि 9,707 छात्रों ने असम हाई मद्रासा एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 6,000 ज्यादा छात्र 10वीं परीक्षा में शामिल हुए हैं। क्या चीन ने मांगी 20,000 मरीजों की हत्या की इजाजत? चीन में कोरोना से फैले महामारी को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कोरोना का प्रभाव चीन के सहित कई देशों में देखा जा सकता है, तो वहीं भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई मुल्कों ने चीन को इस गंभीर महामारी से निपटने में हर संभव मदद करने की पेशकश की है। चीन में सोमवार को मरने वालों की आंकड़ा बढ़कर 908 पहुंच चुका है। साथ ही इससे संक्रमित 40,000 केसों में पुष्टि हो चुकी है। सिर्फ रविवार को ही 97 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,062 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच ऐसे अफवाहें फैल रही है कि चीन ने अपने 20,000 कोरोना मरीजों को मारने के लिए कोर्ट में इजाजत मांगी है, ताकि इस महामारी पर रोक लगाई जा सके। हालांकि चीन के प्रशासन ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि चीन की सरकार इस बीमारी से मजबूती के साथ लड़ रही है। विश्व कप जीते बांग्लादेशी, मगर हरकतों से शर्मसार हुआ क्रिकेट। रविवार को भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया को हराने के बाद जूनियर बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने सारी हदें पार कर दी। मैच के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ धक्का मुक्की की। वहीं फील्डिंग के दौरान कई बार आक्रामकता दिखा चुके बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों के सामने जाकर उन पर गलत टिप्पणी की। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कुछ मौकों पर ऐसी हरकतें की जिससे क्रिकेट को भी शर्मसार किया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ मैं आप सबसे विदाई लेती हूं। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे PI न्यूज, आपके द्वारा आपके साथ। धन्यवाद।